नमस्कार दोस्तों, मैं एम के रावत कोसी स्टडी पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। फिर से एक नया सेशन लेके आया हूं आपके सामने। बहुपद का मैंने जो किया हुआ वादा के मुताबिक मैंने बोला था कि आपको ऑब्जेक्टिव्स और लेके आऊंगा और मैं लेके आया हूं। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई और हम लोग चलते हैं एक नया सेशन स्टार्ट करने के लिए। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जुड़े हुए हैं, वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और जितना से ज़्यादा हो सके उसको शेयर भी करें आप, ठीक ना। तो हम लोग अगले डेट में कुछ होमवर्क्स दिए थे आपको, क्वेश्चंस याद होगा, और मैंने उनको कहा था बनाने के लिए। तो जो जो व्यक्ति बनाए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं बनाए हैं उसके लिए ये होमवर्क्स मैं पूरा कर रहा हूँ। तो हम लोग 19 नंबर का क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे बनाने के लिए, तो मैं सॉल्व करता हूँ 19 नंबर क्वेश्चंस को। देखिएगा, कहा जाता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - फाइव एक्स प्लस के, ठीक है, के शून्य हो तथा अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। आपको एक कंडीशन दिया हुआ है दोस्तों कि अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है ये आपका किसके बराबर, 1 के बराबर है, तब के का मान ज्ञात कीजिए। तो एक चीज बताइए, अगर हम इसमें देखें दोस्तों, तो बताइए आप अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया, माइनस फाइव बाय ए का वैल्यू कितना हो गया, 1, बराबर हमारा ये आ गया 5, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो हम देख रहे हैं सी का वैल्यू हो गया के बटा ए का वैल्यू हो गया 1, मतलब किसके बराबर, के बराबर। तो एक चीज यहां पर देखिए, एक टेक्निक बताना चाहता हूं मैं आपको दोस्तों, चूंकि हमारे पास दिया हुआ है अल्फा, तो यहां पर आप एक चीज देख लीजिए कि आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया के, मतलब अगर हमको के निकालना है तो अल्फा और बीटा का अगर हम मान निकाल दें और उसको गुणा कर दें तो वह हमारा के का वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अल्फा और बीटा का मान निकालने की ओर। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5, और अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है दोस्त, यहाँ पर आपका सवाल में ही दिया हुआ है 1। एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, और याद रखिएगा जब भी सवाल का फॉर्म ऐसा आवे, एक प्लस में और एक माइनस में, और सिंपल वेव में अगर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर एक ट्रिक याद रखिएगा आप दोस्तों, अगर हमको स्टार्टिंग का अगर निकालना हो, क्या निकालना हो, स्टार्टिंग का अगर अल्फा निकालना हो, तो इन दोनों को जोड़ करके आधा, मतलब 5 × 1 = 6, 6 का आधा कितना, 2, तो यहां पर आपका वैल्यू, सॉरी 6 का आधा दोस्तों 3, तो यहां हो गया हमारा अल्फा का वैल्यू कितना, 3। उसके बाद दोस्तों अगर बीटा निकालना हो तो इन दोनों को घटा करके आधा, तो बताइए 5 में से 1 गया कितना हुआ दोस्तों, तो कितना हुआ, 5 में से गया 4, और 4 का आधा कितना, 2, तो आपका बीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 2 ना। इसीलिए आपको क्या चाहिए था, के का वैल्यू ना जी। तो बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर के है, तो अल्फा का वैल्यू हो गया 3 इंटू 2 बराबर के, अतः 6 बराबर कितना, के हो गया। हम, मुझे पता है दोस्तों थोड़ा आप लोगों को इसमें दिक्कत हुआ होगा, कहां पर क्या होता है, थोड़ा आज हिंट्स कर देता हूं मैं। देखिए ध्यान से, अगर कोई सवाल का फॉर्म रहे एक्स प्लस वाई बराबर अगर ए, कोई सवाल का फॉर्म रहे, देखिएगा दोस्तों ट्रिक है, मैंने बताया था आपको, ट्रिक पर बताऊंगा और एक मजेदार ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। दूसरा होता है अगर एक्स माइनस वाई बराबर अगर है आपको क्या चीज, बी, तो अगर x निकालना हो तो दोनों को जोड़ करके a प्लस बी और बटे 2, अगर y निकालना हो तो दोनों को घटा करके और बटे कितना, 2। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा कि कैसे ये हुआ। तो हमारा आंसर आ गया k का वैल्यू कितना दोस्तों, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों।
होमवर्क में ही मैंने दिया था आपको 20 नंबर का क्वेश्चंस। तो 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। कहा जा रहा है यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4k है कि शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा यह जो है गुणनफल के बराबर है मतलब अल्फा इंटू बीटा के बराबर है तो कहता है के का मान क्या होगा। तो बताइए पीछे के क्लास में बताए थे ना कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बोलिए क्या होता है, बी बाय ए कि माइनस बी बाय ए, भूल गए याद कीजिए, बराबर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए। तो सी बटा ए तो देखिए ए और ए कैंसिल, तब बताइए यहाँ पर माइनस बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 बराबर सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4k। तब बताइए ना के का मान कितना, गुना है इधर आएगा तो भागा तो माइनस 3 बटा कितना 4 हो गया। बात आया समझ में, तो के का वैल्यू कितना हो गया माइनस 3 बटा 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद कितना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो आपको पूछा जा रहा है किसका 1 बटे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटे बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग आंख बंद करके डायरेक्ट निकाल लीजिए इसको, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस बी बाय ए। तो बताइए यहाँ पर माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी तो है ही ना, ए का वैल्यू ये हो गया था डायरेक्ट यही ना हो गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो गया सी बटा ए। तो बताइए यहाँ पर इसको अगर आप तोड़िएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये दोनों कट के हो जाएगा आपको बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर। अब देखिए चूंकि हमको सवाल में तो इतना दिया हुआ है और हम लोग का सवाल कुछ और है तो इसको हम फॉर्म में तोड़ेंगे कैसे दोस्तों। तो देखिए ये फॉर्मूला टूट रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है कौन चीज, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस होता है 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कितना 2a और b बटा कितना हो गया, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा ये पूरे का स्क्वायर, नहीं बुझ गए बात को। तब बताइए तो यहाँ पर आप कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना c बटा a बटे नीचे में है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना सी बटा ए का होल स्क्वायर, नहीं हो गया। तो बताइए इसको तोड़ तार दीजिए तो एकदम फटाफट माइनस का स्क्वायर प्लस ई हो गया बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस ई हो गया दोस्तों 2c बटा ए, नीचे जब कीजिएगा तो ई हो जाएगा सी स्क्वायर बटा कितना बोलिए ए स्क्वायर। यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, दिक्कत ना होना चाहिए, देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप कहोगे कितना, इसको जब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर एलसीएम हुआ, ये और ये कट गया क्या बचा बी स्क्वायर माइनस ए और उसमें भागा तो ए वो ए बचेगा 2c में गुना हो जाएगा तो 2ac बटे नीचे में कौन सी हो गया सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर नहीं कट गया। तो यहाँ पर आप यह देख सकते हैं दोस्तों, तो ये आपको हो गया कितना, आप रिक्वायर्ड रूप में आंसर ले सकते हैं कितना बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे सी का स्क्वायर, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। तो देखिए तो आंसर नंबर कितना में है आपको बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में आंसर हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी।
तो दोस्तों जो नोट करना है नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि रूट अंडर फाइव तथा माइनस रूट अंडर फाइव बहुपद कितना है आपको दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव के शून्य हो तो तीसरा शून्य क्या होगा। सवाल समझे दोस्तों, इनका कहना हुआ चूंकि तीन घात है तो तीन को शून्य होगा, जिसमें दिल है एगो रूट अंडर पांच एगो दिल है माइनस रूट अंडर पांच, तो कहता है वो जो तीसरा वाला जो व्यक्ति होगा ई निकालना है आपका क्या होगा। तो मान लीजिए कि यहां पर तीसरा को आपको निकालना पड़ेगा, तो एक चीज बताइए यहां पर देखिए इस सवाल को अगर आप बनाने जाइएगा तो बहुत लेंदी प्रोसेस जाएगा, बहुत लंबा, ठीक है। लेकिन हमको तो भाई ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है ना, तो ऑब्जेक्टिव भाई सेकंड में उड़ाना है कैसे बनेगा। तो कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि आपको ऑप्शन से सवाल बनाना पड़ेगा। तो अभी जैसे देखिए हम यही सवाल आ गया है कि ऑप्शन से बनाते कैसे इसको। आपका ऑप्शन देखिए क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है आपको वन, ऑप्शन बी है माइनस वन, ऑप्शन सी है दो, ऑप्शन डी है माइनस दो। तो दोस्तों देखिए बारी बारी से ऑप्शन रखते हैं, ये शून्य है सब, तो वन अगर रखते हैं तो देखिए तो वन का क्यूब कीजिएगा वन, वन का स्क्वायर कीजिएगा वन, और माइनस वन तो पांच गुना एक का कितना हुआ पांच, और माइनस पांच क्या बताइए ये कितना हुआ आपको, कभी भी क्या ये जीरो हो पाएगा, जीरो नहीं हो पाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर चलते हैं दोस्तों, माइनस वन रखिए तो माइनस वन का क्यूब कितना होगा माइनस वन, और माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस वन, और यहाँ पर माइनस वन रखे तो माइनस ही माइनस प्लस, अब पाँच गुना एक तो पाँच हो जाएगा माइनस पाँच। तो जरा देखिए तो प्लस में वन माइनस में वन प्लस में पाँच माइनस पाँच किसके बराबर, तो आता है इसका मतलब ये जो हम लोग माइनस वन रखे थे यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लिए ना, यही होता है टेक्निक्स, टेक्निक्स लगाइए कैसे होता है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए आगे अगला है हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए दोस्तों। कहता है त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी के शून्य का अल्फा बीटा गामा है, ठीक है बुझ गए बात को। तो कहता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थ्योरी में डायरेक्ट हम पढ़ाए हुए हैं, याद होगा कि शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस बी बाय ए, शून्यकों के गुणनफल का योगफल क्या होता है सी बटा ए, और इनका गुणनफल ये बी सॉरी डी बटा ए। लेकिन दोस्तों मैं एक गलती से मिस्टेक हो गया था, नेक्स्ट वाले वीडियो में जब मैंने थ्योरी बता रहा था तो उसमें मुझे माइनस इसमें छूट गया था, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उसमें आप लोग माइनस को लगा दीजिए, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाय ए होता है, ठीक है। तो गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ, तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसे सवाल में जो दिया हुआ था उसमें माइनस लगा दीजिएगा, कि शून्यकों का जो गुणनफल होगा त्रिघात बहुपद में वह माइनस डी बाय ए होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हुए। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर है कि ईमानदारी से लाइक कीजिएगा, और अगर बहुत ही ज़्यादा बेटर लग रहा है तो शेयर भी कीजिए, दूसरे को भी पहुंचाइए, अपना भी लाभान्वित कीजिए, दूसरे को भी कीजिए। चलते हैं दोस्तों अगला सवाल हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर, दिल थाम के बैठिए क्वेश्चन सभी होगा। कहता है यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हैं तो भाई निकालिए आप कि वन बटे अल्फा वन बटे बीटा वन बटे गामा का मान क्या होगा। तो सिंपल बात है भाई, एलसीएम लीजिए ना इसका, अल्फा बीटा गामा कट जाएगा, क्या हो जाएगा ये बीटा गामा, बीटा बीटा कट जाएगा अल्फा गामा,
गामा गामा कट जाएगा अल्फा बीटा, और तुरंत अभी देखिए आपके नजर के सामने है, यहाँ देखिए कितना है, बोलिए तो, अल्फा प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, कितना है सूत्र, सी बटाए, तुरंत धराक से रख दीजिए सी बटाए है, बटे अल्फा बीटा गामा इंटू में है, तो तुरंत यहाँ पर नहीं देख लीजिएगा माइनस डी बटा ये, कुछ है इसमें, आप लोग तो बेकार में परेशान होते, देखिए कैसे बनता है, ए और ये कट गया, कितना बचा सी बटा, माइनस तो माइनस ऊपर भाजा भगा दीजिए, तो आंसर हम लोग का क्या आ गया माइनस सी बटा डी। तो देख लीजिए जवाब, देखिए बी नंबर आंसर दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो, तो आपको निकालना है 1 बटे अल्फा बीटा गामा और 1 बटे गामा अल्फा का मान। तो देखिए तुरंत इसका एलसीएम लीजिए, तो देखिए एलसीएम लिखने आता है ना, जो रिपीट नहीं होगा इसमें, अल्फा होगा बीटा होगा और क्या होगा गामा, तो अल्फा अल्फा कट गया, यहाँ पर आपको अल्फा बीटा कट गया, क्या बचा गामा, इसमें बीटा गामा कट गया, क्या बचा अल्फा, इसमें अल्फा गामा अल्फा कट गया, तो क्या बचा इसमें बीटा, बताइए शून्यकों का योगफल, देखिए सेम चीज़ है यहाँ पर, क्या होता है बोलिए तो, माइनस बी बटा ए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या होता है माइनस डी बटा ए, तो ए और ए कट गया, माइनस ओ माइनस खत्म हो गया, तो क्या आंसर आ गया बी बटा डी। दोस्तों आपका एक शिकायत रहता था कि सर आप छोटा छोटा लिख रहे हैं, तो दोस्तों क्या अब दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा अब लिखना चालू कर दिए हैं, तो शिकायत ठीक है, शिकायत करना अच्छी बात है, लेकिन लाइक भी करना अच्छी बात है, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, आपका दिया हुआ है 26 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के दो शून्यक, शून्यकों का मान शून्य है, तो भाई देखिए तीन गो शून्यक तो होबे करता है क्योंकि त्रिघात है, तो भाई एगो का कहता है जीरो है, यहो कहता है जीरो, तो भाई तीसरा क्या होगा, तो एक चीज़ आप बताइए ना खुद, चूंकि आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है बोलिए तो, माइनस बी बटा ए, तो बताइए यहो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, आ ये वाला कौन चीज़ हो गया आपको गामा ही हो गया, तो गामा बराबर क्या बच गया माइनस बी बाय, अतः तीसरा शून्य क्या हो गया माइनस बी बटा ए आंसर हो गया। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नोट करती है। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बहुत ही जोश और होश से बनाने के लिए 27 नंबर का क्वेश्चन, कहता है यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस थ्री पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के शून्यक अगर समांतर श्रेणी में हो, एपी में हो, तो आपको बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा रिलेशन होगा, तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, एपी में जब भी होता है तो तीन पद होता है इसका एपी का, याद रखिएगा, एक होता है ए माइनस डी, एक होता है ए और एक होता है ए प्लस डी, तो दोस्तों इस तीन पद को फार्मूला को याद रखिएगा, एपी चैप्टर फिर मैं जब पढ़ाऊंगा उसमें जरूर है कि इसको विस्तार से बताऊंगा, तो फिलहाल के लिए आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिएंगे। तो यहाँ पर चूंकि आप जानते थे ये हमारा एक शून्यक मान हो गया अल्फा का, ये हो गया बीटा का और ये हो गया गामा का, तो चूंकि आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, तो बताइए अल्फा का मान ए माइनस डी प्लस बीटा का मान ए प्लस फिर कितना ए प्लस डी बराबर माइनस बी, तो बी का वैल्यू यहाँ कितना है बोलिए तो, बी का वैल्यू है माइनस थ्री पी बटा ए का वैल्यू कितना 1, तो देखिए यहाँ पर माइनस डी प्लस डी खत्म हो गया,
एगो ये तीन गो एने हो गया, ये माइनस माइनस प्लस तीन गो पी ने हो गया, तीन तीन खत्म ने हो गया, ए बराबर कितना हुआ पी, माने एगो इस शून्य के हमको निकल गया है पी, ये जो है ये कौन चीज निकल गया हमको, शून्य कहीं निकल गया, मतलब किसका मान, एक्स का मान निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर शून्य का है आपको सभी, तो इसीलिए डायरेक्ट इसमें आप रख दीजिए, क्या है एक्स क्यूब माइनस थ्री पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस कितना आर। तो चूंकि इसका बहुपद का तो शून्य के बराबर होगा क्योंकि शून्य का निकालना है, तो देखिए एक्स का मान रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलिए तो पी का क्यूब माइनस थ्री पी इंटू पी का स्क्वायर प्लस क्यू इंटू पी माइनस आर बराबर कितना जीरो। तो ये हो गया देखिए कितना, पी का क्यूब माइनस थ्री पी क्यूब प्लस क्यू पी माइनस आर बराबर जीरो। तो ये देखिए कितना हुआ घट के दोस्तों, बताइए जल्दी, माइनस टू पी क्यू प्लस क्यू पी माइनस आर बराबर जीरो। तो ये माइनस वा उधर जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस, तो हो जाएगा क्यू पी माइनस आर बराबर कितना टू पी क्यू। तो देखिए तो आप ये किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, तो ये आपको ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, ए नंबर ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा ए नंबर। चलिए अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की ओर। सवाल कर रहा है यदि बहुपद इतना के दो शून्य का गुणनफल तीन हो तो तीसरा क्या होगा। कहता है ये जो बहुपद दिया है टू एक्स क्यू प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस नाइन के दो गो शून्यकों का गुणनफल तीन है, मतलब ये हो गया आपको कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तीन है, तो आपको कह रहा है तीसरा क्या होगा भाई, गामा क्या होगा, तो नहीं निकाल लीजिएगा, बोलिए तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है सूत्र, माइनस डी बटा ए। तो बताइए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है तीन इंटू गामा और बराबर माइनस डी का वैल्यू कितना है बताइए नौ और बटा ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर बताइए टू। तो देखिए तीन तिया नौ, तो गामा बराबर क्या हो गया माइनस थ्री बटे टू। किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों ए नंबर। तो कहता है आपको इस प्रकार का अक्ष बनाया हुआ है, ये हो गया एक्स अक्ष एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, और ये आपका ऐसे है वक्र। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा कि एक्स अक्ष पर जितना बेर काटेगा वही उसका शून्य की संख्या होता है, क्या बुझे, एक्स अक्ष पर जितना बार काट दिया उसको क्या कहते हैं शून्य की संख्या कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन वहाँ देखते हैं दीजिए आपको, अब बी नंबर में भी लिखिए ना लीजिए क्या दिल है कि ऐसे बनाइल है, नहीं उतार लीजिएगा इसको एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। कहता है भाई ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, अब बताइए एक्स अक्ष पर कई बेर काटा, एक दो तीन और चार। तो सवलवा पहले पढ़ लीजिए का दिल है ए नंबर में, कहता है दिए गए आकृति में बहुपद पी एक्स के शून्य की संख्या क्या होगा। तो बताइए तो शून्य कई होगा, जल्दी बोलिए तो जल्दी बोलिए, ये सब सवाल रुकना नहीं चाहिए, कितना होगा बोलिए, एक दो और तीन, तो कई गो शून्यक होगा इसका तीन गो शून्यक होगा। फिर कह रहा है बी नंबर में दिए गए पी एक्स शून्य की संख्या, जल्दी बोलिए तो कितना होगा शून्यक, शून्य कितना होगा दोस्तों बोलिए, एक दो तीन और चार, तो कितना शून्यक चार, देखे कुछ था नहीं था, बेकार में घबरा रहे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर आप लोग सेम है, बना लीजिएगा इसको दोस्तों, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगला है 31 नंबर का क्वेश्चन, 31 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है 31 नंबर का। था विभाजन एल्गोरिथम के परिमेय से आपको यह दिया हुआ कंडीशन आप लोग जान रहे हैं कि पी एक्स बराबर दिया हुआ है क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस कितना आर एक्स।
तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर की पी एक्स बराबर दिया हुआ है जी एक्स क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर और जी एक्स कभी भी जीरो कहते हैं। याद रखिएगा जो इक्विवेलेंट कभी जीरो नहीं होता है उसी से भागा लगाया जाता है। तो आपने देखिए कि अगर जी से हम किस में भागा लगाए पी से, अब मान लीजिए कोई भागफल आएगा क्यू और नीचे में कोई बचेगा शेष। तो अब एक चीज़ बताइए दोस्तों, आप भागा लगाना कब तक चलाते रहते हैं? जब तक ये शेषफल जो है ये जी से क्या हो जाए, कम ना हो जाए, तब तक ना। जब कम हो जाता है तो भागा लगाना हम लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो अतः इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आर एक्स का जो मान होगा अगर कम हो गया किससे, जी एक्स के घात से। आर एक्स का जो घात होगा अगर कम हो गया किसके, जी एक्स के घात से, तभी जाकर कि यह कंडीशन फुलफिल होगा। तो अतः हमारा कई नंबर आंसर बी नंबर ऑप्शन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन, कहता है यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू के प्लस टू का एक शून्य का माइनस चार है। तो देखिए ये तो शून्य है तो जीरो के बराबर होगा ही, लेकिन एक शून्य का आपको कितना दिया हुआ, माइनस चार दिया है। तो ये माइनस चार को इस पर रखिए तो कितना हो जाएगा बोले तो, माइनस चार का स्क्वायर माइनस चार माइनस टू के प्लस टू बराबर जीरो। ये हो गया हमारा 16 प्लस चार, आ इसको माइनस को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 2 के प्लस टू, ये हो जाएगा 16 चार 20, आई प्लस इधर आएगा माइनस टू बराबर टू के, ये घट के हो गया हमारा 18 बराबर टू के, टू से कट गया 9 मरतबे में, तो k का मान कितना निकल गया दोस्तों, 9 हमारा आंसर हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है यदि x प्लस ए, यहाँ पर आपका x प्लस ए जो है ये बहुपद किसका, 2x क्यूब प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड ये इसका है, मतलब यह व्यक्ति इसको शून्य करेगा, तो इसका शून्य का देख लीजिए, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो गया माइनस, या जब ये इसको जीरो करेगा तो ये भी किसके बराबर मान लेंगे, इसको जीरो के बराबर। तो अब यहाँ रखिए इसका वैल्यू, तो 2 इंटू माइनस ए का क्यूब प्लस 2a इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 बराबर जीरो। तो ये जो हो गया आपको कितना, माइनस टू ए का क्यूब, आई हो गया प्लस माइनस माइनस, दोस्तों यहाँ लगता है कुछ छूट गया है दोस्तों, एक मिनट, आपका सॉरी यहाँ क्यूब नहीं है दोस्तों, स्क्वायर है यहाँ, जी हाँ दोस्तों यहाँ स्क्वायर है, सॉरी। तो यहाँ आपका हो गया स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया आपका प्लस माइनस माइनस, क्या हो गया ये 2a का स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर है तो माइनस प्लस ही ना रह जाएगा तब, और यहाँ पर हो गया कितना माइनस 5a और प्लस कितना 10 बराबर जीरो। तो देखिए माइनस में और ये प्लस में खत्म हो गया, माइनस को उधर भेज दीजिए तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 5a, 5 दूना 10, a बराबर कितना आया दोस्तों 2 आंसर आ गया हमारा, ए का ही मान निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 34 नंबर भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों सेम है, 34 नंबर है, कहता है 3x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को कितना से, तो x माइनस 1, यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ सवाल को सही कर लीजिए, प्लस यहाँ होगा एक्स स्क्वायर से भागा अगर देते हैं इससे, इसमें अगर क्या करते हैं आप भागा देते हैं, तो ये देखिए ध्यान से हम भागो दे के दिखा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस वन, इसको सीधा करके लिख दिया दोस्तों, अब भागा किस में दीजिएगा, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 5 में अगर भागा देते हैं तो कहता है इनका प्रथम पद का गुणांक क्या होगा, मतलब पहला पद का गुणांक। तो इसका मतलब इसके पहला वाला से पहला में भागा दे के देखिए कि कितना होता है, तो 3x क्यूब में भागा दे के देख लिए एक्स स्क्वायर से, तो बताइए स्क्वायर
और तीन खत्म हो गया, तो कितना आया दोस्तों 3x। तो कौन गुणांक होगा इसका, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 3x। अगला दोस्तों हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। कहता है के किस मान के लिए इतना कितना दोस्तों एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x प्लस के किस मान के लिए एक्स माइनस 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो सेम टेक्निक यहाँ वाला है, लगा दीजिए एकदम मास्टर फार्मूला। इतना बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना 3। अब इस पर रख दीजिए आप, तो एक्स का मान कितना रखिएगा 3 का क्यूब माइनस 6 × 3 का स्क्वायर प्लस 6 × 3 अब प्लस के, चूंकि शून्य का निकालना है तो किसके बराबर 0 के बराबर होगा। तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 3 का स्क्वायर 9 × 9 = 54 और प्लस 36 = 18 प्लस के बराबर 0। सबको जोड़ घटाओ कर ना लीजिए, इसमें घटाइएगा तो 27 × 2 = 54, 27 तो डायरेक्ट हो जाएगा ही, और उसके बाद प्लस 18 प्लस के बराबर 0। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसको घटाइएगा तो कितना होगा दोस्तों 17 में से 8 गया तो 9 × 9 = 17, यहाँ बच गया कितना 1 में से के तो माइनस 9 है ना बचा, तो यहाँ पर प्लस के बराबर कितना 0, तो के बराबर कितना माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 9। तो के का मान कितना आ गया दोस्तों प्लस 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाजक एक्स स्क्वायर तथा भागफल एक्स जबकि शेषफल 1 हो तो भाज्य क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, 36 नंबर क्वेश्चन है। एक चीज आप जानते हैं, यहाँ पर भाज्य बराबर क्या सूत्र होता है बोलिए तो, भाज्य बराबर भाजक गुना भाग फल जोर कौन चीज शेष नहीं होता है। तो सवाल आपको क्या दिया है, यदि भाजक एक्स स्क्वायर है, मतलब ये दे दिया है आपको कितना एक्स का स्क्वायर गुना इंटू भागफल कितना दिया है दोस्तों एक्स, अब प्लस शेषफल कितना दिया हुआ है दोस्तों 1, तो भाज्य क्या होगा तो नहीं निकाल लिया आप लोग बोले तो कितना होगा ये एक्स का क्यूब प्लस कितना 1। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो अब बताइए दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, और कुछ भी अगर कोई दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द ही आपके पास लाने वाले हैं न्यू चैप्टर्स के लिए, फिर वही अंदाज में वही स्टाइल में फिर पढ़ाएंगे आपके सामने। इसके लिए अब मैं कुछ आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि इस सवाल को सभी को इस फॉर्म पर जितने भी सवाल हैं सबको खुद से भी स्टडी कीजिए और बनाइए, और हम लोग अब नया चैप्टर की ओर चलेंगे। और हाँ दोस्तों, जब इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आप भी कम से कम इस वीडियो को शेयर लाइक और जितना हो सके करें। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सूचना कहना चाहता हूँ कि हमारा यह जो वीडियो है कोसी स्टडी का, यह आपको 6 बजे क्लास राइट टाइम प्रत्येक दिन दोस्तों 6 बजे आपको मैथ का वीडियो पब्लिश होगा और लाइव क्लास होगा, और 7 बजे से आपका सोशल्स का जो भी है, हमारे सोशल्स के जो चैप्टर्स हैं इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र कुछ भी, तो इसके चैप्टर्स आपको दिए जाएंगे। और 7 बजे इसके बाद 8 बजे आपका जो टाइमिंग होगा हमारा रीजनिंग के क्लास का होगा। तो दोस्तों इसीलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में जुड़े, कॉमेंट करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।